हेलो स्टूडेंट्स स्वागत आपका एक बार फिर से गुडविल एडू केयर के यूट्यूब चैनल पे कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी काफी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे स्पीड में कर रहे होंगे और एक दिन में बहुत सारे सवाल भी लगा रहे होंगे ठीक है जैसा कि हम हर क्लास में कहते हैं कि एक दिन में डेढ़ सवाल लगाना है कल अगर दस लगाए थे तो आज बारह लगाना है आज अगर बारह लगा रहे हैं तो कल पंद्रह लगाना है फिर परसों बीस लगाना है ऐसे आपको ना अपने स्पीड को बढ़ाए रखना है कब तक टिल एग्जाम ठीक है एग्जाम तक आप ढेर सवाल लगाइए उसके बाद आराम करिए कोई नहीं पूछता कि क्यों आराम आराम कर रहे हैं अभी अगर आराम करेंगे तो हम पूछेंगे आपसे क्यों आराम कर रहे हैं ठीक है ठीक है ना मेरे भाई हाँ देखिए होता क्या है ना कि अगर अभी आप अभी आप सवाल लगा रहे हैं तो कोई नहीं पूछेगा कि क्यों सवाल लगा रहे हैं <laughs> अभी आराम करेंगे तो लोग पूछेंगे क्यों आराम कर रहे हैं लेकिन एग्जाम के बाद आराम करेंगे तो कोई नहीं पूछेगा कि क्यों आराम कर रहे हैं लेकिन सवाल लगाएंगे तो वहां पे फिर उल्टा हो जाएगा क्यों सवाल लगा रहे भाई अभी एग्जाम जब बीत गया तो तो आप पढ़ाई करिए ढंग से करिए ठीक है आपका गोल कहीं ना कहीं सी क्रैक करना है तो सीवी से रिलेटेड आपको ना भरपूर कंटेंट दिया जा रहा अगर इतना आप कर लेते हैं ना तो आपको कहीं से कोई डाउट रह नहीं जाएगा हमारी गारंटी है कि आप एग्जाम में ना सवाल लगा के आएंगे हम ये नहीं कह रहे कि जो हम पढ़ाए हैं उसी में से सेम टू सेम आ जाएगा ऐसा नहीं है लेकिन हाँ इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाएगा कि थोड़ा बहुत सवाल इधर उधर भी हो तो आप लगा लेंगे देखिए खेल कहीं ना कहीं पूरा पूरा कॉन्सेप्ट का है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सवाल टेढ़ा भी हो तो लग जाएगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ही नहीं सवाल आसान भी हो फिर भी छूट जाएगा ठीक है ना तो सिर्फ सिर्फ क्या बोलते हैं कि आ, बहुत ढेर क्या कहें कि पाँच सौ और एक हजार सवाल लगाने से नहीं होता है हम कह रहे हैं कि आप पचासी सवाल लगाइए लेकिन ढंग से लगाइए चीज़ों को समझ के लगाइए रट के मत लगाइए ठीक है ना तो सब कुछ सही रहेगा ठीक है जी तो आप पीछे देख सकते हैं क्या होने वाला है आज सिंप्लीफिकेशन का आज फिफ्थ पार्ट हम लोग देखने वाले हैं ये बड़ा सा चैप्टर था इसलिए थोड़ा सा समय लगा खैर ये पांच पार्ट में भी संभव न था कि इसको खत्म किया जा सके लेकिन कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन को रख के हम लोगों की कोशिश थी कि खत्म करें तो पी वाई क्यू क्वेश्चन देखना बाकी रह गया था हम लोग ना बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लगाए आप जो पहले वीडियो से जुड़े हैं उनको पता होगा और जो लोग एकदम फ्रेश आज स्टार्ट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप पहला पार्ट देख लीजिएगा पहला दूसरा तीसरा आप देखेंगे ना तब आपको चीज़ें समझ में आएगी कि कितना आसानी से सब सोल्व हो रहा है ना डायरेक्ट आप जुड़ जाएंगे देखिए हम लोग सीरीज तैयार कैसे करते हैं कि आसान से टॉप लेवल तक के सवाल को हम लोग टच करते हैं तो अगर आप आसान सवालों को नहीं देखें डायरेक्ट मुश्किल सवाल देखने आ जाएंगे तो फिर आपको समझ ही में नहीं आएगा कि सर क्या हो रहा है तो अगर मुश्किल सवालों को लगाना है तो पहले आपको आसान से सवालों के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा ठीक है ना जी तो हम लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखे थे बोर्डमास पे आधारित क्वेश्चन देखे थे जी परसेंटेज पे आधारित क्वेश्चन देखे थे हाँ फ्रैक्शन देखें डेसिमल देखें एलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखें कुछ इंपॉसिबल टाइप क्वेश्चन देखें जो लॉजिकल क्वेश्चन थे जहाँ पे ना सारा आपका ना वो क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट वगैरह सब फेल हो जाता है जहाँ पे आपको ना रटने के समय दूसरा कोई रास्ता नजर नहीं आता है तो वैसे सवाल को भी देखे थे आ, कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी इंटर कर गए थे आज हमारी कोशिश ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आज यहाँ पे उड़ा दिया जाए खत्म कर दिया जाए और अगले दिन कोई नया चैप्टर शुरू किया जाए ठीक है जी तो अगर सब लोग तैयार हों तो जल्दी से आज के सेशन को शुरू करते हैं लेकिन शुरू करने से पहले जल्दी से एक रिक्वेस्ट हालांकि आमतौर पे हम करते नहीं हैं लेकिन कर रहे हैं ठीक है अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए चलें जी और दूसरा हाँ ये हम बार बार कहते हैं कि आप कमेंट करिए कमेंट में क्या करिए ये नहीं कि सर बहुत अच्छा वीडियो ये वो हम ये कमेंट की डिमांड हम नहीं करते हैं आपसे हम आपसे बस ये कमेंट की डिमांड करते हैं कि कहाँ पर और सुधार किया जा सकता आपके सजेशन डिमांड करते हैं ठीक है ना अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक हो रहा वीडियो में तो आप उसको भी बेझिझक बता सकते हैं कि सर यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया था कि दो प्लस दो चार होता लेकिन गलती से आपने पांच लिख दिया तो ऐसा अगर कहीं पे मिस्टेक हो रहा हो तो आप बता दीजिएगा उसको हम सुधार कर देंगे ठीक है जी चलें जी चले चलिए जी, जी. आखिरी क्लास में जहाँ पे खत्म किए थे वहीं से शुरू करेंगे सर वहीं पे शुरू किया जाएगा हो हो गया था। ये भी हो गया था था भी हाँ सर क्वेश्चन नंबर हम आपको होमवर्क गए थे क्वेश्चन एटी एट देखिएगा ये सवाल ये सवाल हालांकि बहुत आसान है लेकिन यहाँ पे ना सिंबल का थोड़ा बहुत लफड़ा है सिंबल को आप देखेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे तो सिंबल के साथ सही से ट्रीटमेंट करिएगा नहीं तो फिर कंफ्यूजन बना रहेगा सिंबल देखिएगा ध्यान से फाइंड द वैल्यू ऑफ ये सवाल जो है ना ये मुश्किल से दो तीन सेकेंड का सवाल है दो का सवाल हालांकि हम किसी क्वेश्चन में नहीं कहते हैं लेकिन हम कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि ये रियली really में दो तीन सेकेंड का सवाल है देखिए बीच में अगर प्लस माइनस होता ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता थोड़ा सा सॉल्व करने में दिक्कत होता यहाँ पे जो आप मेन सिंबल देख रहे हैं ना मेन वो आपको सब जगह पे इंटू इंटू ही दिख रहा है तो आप प्लस माइनस के चक्कर में मत into, into जो सिंबल दिख रहा है ना बस मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको चार गुड़े तीन बारह दूना चौबीस एकम चौबीस ये चौबीस बनेगा अब लफड़ा है जी सर प्लस और माइनस का आप ध्यान से समझें कि अगर इस माइनस को अगर इस माइनस को हम टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें अगर इस माइनस को इवेंट टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो सबको पता है सर प्लस बन जाता है और अगर ये माइनस मतलब समझ रहे होंगे कि अगर ऑड टाइम्स होगा तो फिर माइनस ही रह जाएगा कहने का मतलब ये है कि जी माइनस इंटू माइनस ये बन जाएगा सर प्लस ठीक है और अगर माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस अगर ये हो तीन बार हो तो फिर उस केस में माइनस इंटू माइनस प्लस तो बनेगा लेकिन प्लस इंटू माइनस फिर से माइनस हो जाएगा तो अगर माइनस इवेन टाइम्स हो तो आप कहेंगे जी प्लस हो जाएगा और अगर माइनस ऑड टाइम्स हो तो वो माइनस हो जाएगा ये बहुत बड़ी चीज हम नहीं बता रहे हैं। आप लोग सब लोग जानते हैं तो आपको क्या करना है, है तो लिख दिए माइनस कितनी बार है सर एक बार दो बार और तीन बार ये ऑड टाइम्स है और ऑड टाइम्स होने का मतलब कि सर ये माइनस ही रह जाएगा तो यहां पे बहुत ज्यादा लिखने पढ़ने की भी जरूरत थी नहीं आपको ना आसानी से देख के ही समझ में आ रहा था कि सवाल का आंसर क्या होने वाला है ठीक है सर ठीक है सर माइनस चौबीस यहां पे बस इस कॉन्सेप्ट को आपको फॉलो करना था ठीक है माइनस को निन्यानवे बार गुड़ा कर दे क्या मिलेगा सर माइनस ही मिलेगा माइनस को अगर हम सौ बार गुड़ा कर दे क्या मिलेगा सर सर प्लस हो जाएगा ठीक है ना तो निन्यानवे मतलब ऑड और ऑड मतलब कि माइनस का माइनस ठीक है जी हंड्रेड मतलब इवन और इवन का मतलब कि माइनस का प्लस हो जाना है ठीक है सर जी सर बात समझ में आ गई नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए आप हमें सर क्वेश्चन नंबर एटी नाइन देखिएगा ये देखिएगा बड़ा मजेदार क्वेश्चन है बहुत सारे लोग ना समझ ही नहीं पाएंगे क्वेश्चन को बहुत सारे लोग क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाएंगे क्वेश्चन कह क्या रहा है देखें ध्यान से ध्यान से देखें Which of the following represents x into y equals to sixty four मतलब कि इनमें से इनमें से ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि x into y equals to sixty four है

बराबर में क्या दिया है 8 अपॉन y अगर आप इसको सोल्व करते भी हैं तो आपको क्या मिलेगा यहां से इन दोनों को सोल्व करेंगे सर एट वाई इक्वस टू एट एक्स हो जाएगा अब यहां से आप देख सकते हैं ये ये भी कट गया तो कहीं ना कहीं कोई लॉजिक बन नहीं रहा है यहाँ पे तो आप बाकी सारे इक्वेशन को सोल्व करेंगे उससे अच्छा एक तरीका हम आपको बताते हैं आपको क्या हम ये रेशियो जब करा रहे थे तो इसके बारे में कुछ बताए थे ना आपको प्रोपोर्शन सेम उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है प्रोपोर्शन में आपको क्या बताए थे कि साइड में साइड में जो दोनों होते हैं उनका प्रोडक्ट बीच वाले दोनों के बराबर होता है यह चीज आपको पता है मतलब साइड का जो दोनों होगा बीच के दोनों के बराबर होगा आप बताएं कि यहां पे एट इन वाई बराबर होगा एट एक्स के जी सर बराबर होगा वैसे ही यहां भी यहां भी ये यह 8x बराबर होगा 8y के ये दोनों ये दोनों कैंसिल हो गया यहां पे आप देखिए 4x और 16y बराबर होगा ये भी कैंसिल होगा लेकिन जैसे ही यहां पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा जी सिर्फ बत्तीस दूर चौसठ और x इंटू वाई वाई तो क्या चौथे ऑप्शन में एक्स वाई बराबर चौसठ आ रहा कि नहीं आ रहा तो आपको यहां पर एक्चुअल में वही लॉजिक लगाना था बहुत ज्यादा परेशान होना नहीं था ठीक है अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप ढंग से देखे होंगे तो चीजें आपको याद होनी चाहिए थी हालांकि अगर कोई स्टूडेंट यहां पे पहली बार जुड़े हैं तो उनको ध्यान में रखते हुए भी हम हम एक बार और बता दें इसको, ठीक है? है जैसे मान लेते हैं हैं, कि कोई कोई रेशियो आपके पास दिया है सर, वाला लिखते बराबर में सी अपॉन डी लिख सकते अच्छा आगे क्या होगा आप देखिए ध्यान से आप आगे ए डी लिख सकते हैं ए डीव में बी सी लिख सकते हैं जी सर लिखा जा सकता अब इसको ध्यान से देखिए और इसको ध्यान से देखिएगा ए डी बी और सी यहां पे बी सी मतलब ये कहा जा सकता है कि जब दो रेशियो आपस में प्रोपोर्शनल हो तो उस केस में पहले और आखिरी का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है बीच वाले के Uh, मतलब दोनों के बीच वाले दोनों के मतलब दूसरे और तीसरे के मतलब ये पहला और चौथा जो होगा वो बराबर होगा दूसरे तीसरे के ठीक है जी बड़ा छोटा सा चीज है सेम वही लॉजिक यहाँ पे हम देखना शुरू किए बारी बारी से क्योंकि आपको पता है ये सब का सब कहीं ना कहीं ऑप्शन जो है ना वो प्रोपोर्शन के फॉर्म में दिया था तो बारी बारी से हम चेक करके उड़ा दिए बत्तीस गुड़े दो चौंसठ और एक्स गुड़े वाई एक्स वाई तो एक्स वाई बराबर चौसठ सिंपल सा केस है ठीक है सर बात समझ में आ गई जी सर समझ में भी आ गया और मजा भी आ गया ठीक है ना तो बारी बारी से अगर ऑप्शन चेक करेंगे ना सोल्व कर करके तो भैया दिमाग खराब हो जाना है अच्छा जी ये क्या कह रहा है लिटिल बिट मिस्टेक ठीक है सर सवाल ये कह रहा है कि 58.84 इज टू 55.14 इज इक्वल्स टू सर जी रेशियो बताना है यहां पे कटाई छटाई करके लेकिन दिक्कत ये है कि, कि किसी भी एंगल से ये ऑप्शन दिख नहीं रहा है दिख रहा है क्या दिख नहीं रहा है सर हम ठीक है सर देखिए यहां पे ना रेशियो निकालना है आपको दशमलव एक चार अनुपात पचपन दशमलव एक चार, चार। यहाँ पे अनुपात निकालने कहा गया है लेकिन दिक्कत यह है कि क्या कि किसी भी एंगल से आपको ये रेशियो पांच गुना या पच्चीस गुना या एक सौ पच्चीस गुना होता दिख रहा है क्या नहीं सर इतना गुना होता तो दिख नहीं रहा है तो फिर क्या करेंगे इसको ठीक है कहीं रीजनिंग का तो कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे अगर इसको मैथ्स के हिसाब से सोचे तो इस चारों में से तो कोई होगा नहीं ठीक है खैर इसको सोल्व करके देखा जाए क्या बनता है क्या नहीं बनता है देखिए जी आप इसको क्या लिख सकते हैं 58.14 डिवाइडेड बाय 55.14 आप कहेंगे डेसिमल से डेसिमल तो ऐसे ही कट जाना है जी दो से कटेगा उनतीस और दो से ये कटेगा सर कितनी बार में सताईस सौ संतावन ये कटेगा अब इसके आगे कुछ कटने लायक मामला दिख रहा है क्या सात दो नौ सात सात चौदह दो सोलह पाँच इक्कीस तीन से कट जाएगा तीन से अगर इसको काटते हैं तो तीन नंबर सताइस तीन छः कठारह फिर से तीन नंबर सत्ताईस यही होगा दो जीरो तीन छः अठारह ठीक है सर तीन से इसको काटेंगे तो नौ एक नौ ये बनेगा नौ नौ अब तो ये कटता हुआ दिख नहीं रहा है जी तो हालांकि ऑप्शन में ही कुछ गड़बड़ी सॉरी ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी नहीं है यहां पे क्वेश्चन के नंबर्स में ही कुछ मिस्टेक है क्योंकि इतना जहर जनरली आंसर होता नहीं है ठीक है मेरे भाई <laughs> चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसको ठीक है बस यहाँ पे ना आपको सिंप्लीफाई बस करना था सिंप्लीफाई बस करना है ऐसे क्वेश्चन में सी यू टी अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी सेकेंड का पूछा गया है यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं कि कुछ टाइपिंग ईरर है बाकी अगर आपको कुछ समझ आए तो हम आपसे अपेक्षा आप करते हैं कि आप कमेंट करेंगे ठीक है सर चलिए जी क्वेश्चन नंबर नाइनटी वन क्वेश्चन नंबर नाइनटी वन देखें देखिएगा इसको, देखिएगा सर द एल सी एम एंड एच सी एफ ऑफ टू नंबर्स एंडीन रेस्पेक्टिवलीफ दिश नंबर दो नंबर के एल सी एम और एच सी एफ दिए गए हैं पैंतीस और पंद्रह उन नंबर का प्रोडक्ट पूछा जा रहा हम आखिरी क्लास में देखिए ये ये सवाल ना 6 अगस्त दो हजार बाईस को पूछा गया है हम आपको आखिरी क्लास में बताए थे कि दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है उनके एल और एच के याद आ रहा है ये जैसे फिर से सुन लीजे। मान लीजे कि दो नंबर है एक ए और एक बी ठीक है तो एल सी एम ऑफ ए एंड बी एल सी एम ऑफ ए एंड बी इनटू एच सी एफ ऑफ ए एंड बी सुने हमारी बात को वो जो होगा ना वो बराबर होगा ए इंटू बी के ठीक है आप इस पॉइंट को अगर याद रखे हैं तो बहुत बढ़िया नहीं याद रखे हैं तो नोट कर लीजिए इसको याद रखिएगा कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट वही होता है जो उनके एल और एच का होता है बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है सर बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है ठीक है ठीक है मेरे भाई तो अब सुनिएगा ध्यान से यहां पे आपसे कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ जो है 35 और 15 है तो उनका प्रोडक्ट बताइए उन नंबर्स का आप बताइए कुछ करना है क्या बस इन्हीं दोनों को तो मल्टीप्लाई करना है 15 5 75 के 5 बचा 7 15 या 45 और 7 52 सर 825 तो सॉरी 525 जहां पे होगा वही इस सवाल का आंसर होगा ठीक है ठीक है ना जी 525 ठीक सर कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं ना आसान सा सवाल था जल्दी से हम देखें क्वेश्चन नंबर नाइन्टी टू देखिए एक मिनट एक मिनट एक मिनट हाँ देखिए जल्दी से इस सवाल का सवाल को करिए 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई थ्री आप बताएं कि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप खुद ही बताइए कि मजा आ जाए कि नहीं आ जाए आ जाए ना लेकिन बहुत सारे लोग ना इसमें भी गलती कर देंगे जी बहुत सारे लोग इसमें गलती कर देंगे 3 माइनस थ्री जीरो और जीरो डिवाइडेड बाई थ्री जीरो बहुत सारे लोग ना जीरो तुरंत आंसर लगा देंगे लेकिन इसका जीरो आंसर होगा नहीं आपको बोर्डमास के अकॉर्डिंग सोचना है बोर्ड के अकॉर्डिंग जो सिंबल जिस ऑर्डर में होगा उसी ऑर्डर में हम करेंगे ना बोर्ड के अकॉर्डिंग ना आपको पता है कि माइनस और डिवाइड में पहले माइनस थोड़ी होता है पहले डिवाइड होता है तो जब आप ना उसको डिवाइड करेंगे तो ये एक बन जाएगा और तीन में से एक जाएगा सर दो बनेगा ठीक है तो आप ना स्पीड में मत उड़ा दीजिएगा सर तीन में से जैसे सुनिएगा तीन माइनस डिवाइडेड बाई तीन है तो ये मत कर दीजिएगा कि तीन में से तीन गया जीरो और जीरो डिवाइडेड बाय थ्री इक्वस टू जीरो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा सर आपको करना क्या है आपको ये करना है कि तीन माइनस तीन डिवाइडेड बाई तीन है तो तीन पहले इसको आप करें का, सोल्व करेंगे तो तीन बाई तीन बनेगा और यहां से तीन माइनस एक इक्वस दो ये वाला सही होगा ऐसा आपको नहीं करना है ठीक है जी माइनस में और डिवाइड में आपको पता है कि पहले माइनस ही होगा हालांकि बोडमास के अकॉर्डिंग ना माइनस वाला जो काम होता है वो सबसे आखिरी में होता है ठीक है माइनस का काम सबसे आखिरी में होता है आप पहले ही मत लगा के उल्टा पुल्टा पूरा कर दीजिएगा मामला ठीक मेरे भाई तो चलें अगला सवाल दिखाए ये देखिए ये सवाल इस सवाल को हम कह सकते हैं अब तक का सिंप्लीफिकेशन का ये बेस्ट क्वेश्चन है ये बेस्ट क्वेश्चन है आपको देख के समझ में नहीं आएगा सर कहां से शुरू करें कहां पे खत्म करें दिमाग खराब हो जाना है इसमें ठीक है जी इसमें आपका दिमाग खराब हो जाएगा लेकिन जिन स्टूडेंट का क्लियर होगा वो आसानी से लगा लेंगे कुछ नया नहीं है यहां पे कुछ नया भी नहीं सोचना है क्वेश्चन ये कह रहा है एक्स टू दावर ए माइनस बी इंटू एक्स टू दी पावर बी माइनस सी इंटू एक्स टू दी पावर सी माइनस एक्वल टू वॉट

और गुड़े में चार के पावर दो देखिए दो केस हम आपको बताते हैं यहां पे हाँ ठीक है जी सुनिएगा हमारी बात को क्या कह रहे सुनिएगा ध्यान से आप इन दोनों को ध्यान से देखिए आपको यहां पे समझ में आएगा एक पहले वाले पार्ट में अगर देखें तो यहाँ पे सबका बेस नीचे वाला सेम है और ऊपर जो घात पावर दिख रहा है ना वो सबका अलग अलग है दूसरे वाले में आप देख रहे हैं कि सबका पावर जो है ना पावर सेम है और नीचे वाला पोर्शन जो है वो अलग है इतनी सी बात समझ में आ रही तो आपको एक छोटा सा रूल याद रखना है कि नीचे में जब सब बराबर हो जाए नीचे में जब सब बराबर हो जाए तो आपको क्या करना है सर पावर को जोड़ देना है दो प्लस तीन प्लस चार ये इन टू के केस में क्लियर है कोई दिक्कत अच्छा आपको यहां पे क्या करना है लेकिन नीचे में तीनों को मल्टीप्लाई करके डाल दीजिए चार या बारह और बारह गुड़े दो चौबीस क्या इस चीज को समझ पाए इस चीज को समझ पाए आप जो हम आपको बताएं ठीक है नीचे वाला जब सेम हो जाए तो पावर जोड़ दीजिए ऊपर वाला जब सेम हो जाए तो नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए बड़ा छोटा सा रूल है ये ठीक है आप चाहे तो दोनों तरीके से सोल्व करके देखिएगा आना वही है देखिएगा अगर आप चाहते हैं करके करके बताएं तो आपको करके भी बताते हैं दो गुडे दो लिखेंगे तो अगर देखना चाहेंगे तो चार बार दो यहाँ पे तीन बार दो यहाँ पे दो बार दो यहाँ पे तो कहीं ना कहीं नौ बार दो होगा वही तो है यहाँ पे नौ बार दो लेकिन यहां पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है तो हम आपको सोल्व करके ही दिखा देते हैं दो के पावर दो का मतलब होगा सर जी चार तीन के पावर दो का मतलब होगा नौ अच्छा जी चार के पावर दो का मतलब होगा सोलह इतनी सी बात समझ में आ गई अब क्या होना है सर सोलह नमा एक सौ चौवालीस एक सौ चौवालीस एक सौ चौवालीस गुड़े नौ इसको सोल्व करेंगे तो नौ चौका छत्तीस के छह बचेगा तीन नौ चौका छत्तीस और तीन सोलह नमा ओ एक मिनट सर एक मिनट चार होगा ये, चार। चार तो अलग अलग निकाल के सोल्व करने से अच्छा है कि मल्टीप्लाई करके जो पावर ऊपर है वही चिपका दें सेम यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में फॉलो करना है हमें ठीक है अब हम आपको वो क्वेश्चन करके दिखाते हैं पहले जो क्वेश्चन इतना मुश्किल लग रहा था देखने में अब आपको ना आसान लग रहा होगा यहाँ पे है क्या x into x into x और पावर में क्या है कि सब अलग-अलग हैं तो यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं जब नीचे वाला सेम हो जाए और पावर में अलग-अलग हो जाए तो क्या करते हैं उसको बस जोड़ देते हैं तो यहाँ पे हम x के पावर a b में b c और प्लस में c a कह सकते हैं कि नहीं हम कह सकते हैं सर जब जब सब में इंटू है तो हम जोड़ सकते हैं अब यहां से आपको दिखेगा प्लस का ए और माइनस का ए कैंसल हो जाएगा माइनस का बी प्लस का बी कैंसल हो जाएगा माइनस का सी और प्लस का सी कैंसल हो जाएगा ऊपर में कुछ नहीं बचा सर ऊपर में कुछ नहीं बचा मतलब एक है और एक्स के पावर एक बराबर क्या होगा तो आप कहेंगे सर एक्स ही होगा ठीक है x हाँ, के पावर जीरो सही में क्या अगस्त 2022 का क्वेश्चन है हाँ जी सही कहना है आपका एक मिनट आपका कहना बिल्कुल सही है सर जी एक आंसर होगा इसका सब आपस में कट गए कुछ बचा ही नहीं मतलब कि एक आंसर हम्म 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 जी अगला सवाल दिखाएं देखिए एक्स के पावर जीरो बराबर वन कैसे होता है बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा इस चीज में तो हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं यहाँ पे देखिएगा आप एक बात बताएं कि अगर हम लिख देते हैं दो के पावर दो हाँ दो के पावर दो तो इसका मतलब चार होता है अच्छा दो के पावर अगर हम माइनस दो लिखें तो आपको पता है इसका मतलब एक बटा चार होता है ये चीज़ पता है सबको अब ध्यान से सुने हमारी बात को हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको अगर हम दे दें दो के पावर दो गुड़े दो के पावर माइनस दो तो ये क्या बनेगा तो आप कहेंगे सर ये तो चार बनेगा ही बनेगा और साथ में यहाँ पे एक बटा चार हो जाएगा तो ये कट के आपस में एक आ जाएगा वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे ऐसे भी तो सोच सकते हैं सर दो के पावर दो माइनस दो मतलब जीरो और यहाँ से भी तो एक ही आएगा क्लियर है क्लियर है ना कोई दिक्कत समझने में तो चलिए ये भी सवाल आसान था लेकिन थोड़ा सा सोचना था आपको चलें जी अगला सवाल भाई साहब ये एक सेकेंड का सवाल है ये दो सेकेंड भी नहीं एक सेकेंड एक मिनट और उधर कर दे जी। जल्दी से एच सी एफ ऑफ फर्स्ट फाइव ऑड नेचुरल नंबर्स आपको ना फर्स्ट फाइव ऑर्ड नेचुरल नंबर्स का एच बताना है ठीक है यहां पे बिना किए आप कह सकते हैं सर जी एक आंसर होगा आप कहेंगे कैसे फर्स्ट फाइव ऑड नेचुरल नंबर्स मतलब वन थ्री फाइव सेवन एंड नाइन यही होगा आप बताएं ये एक है ये एक खुद के अलावा किसी से कटेगा क्या तो क्या जरूरत है बाकी को देखने की कोई जरूरत है क्या अगर वही इवेन होता मतलब कि दो चार छ आठ और दस होता तो फिर ये वाला आंसर हो जाता ठीक है अगर ऑड बोला है तो ज्यादा सोचने की ही जरूरत नहीं है तुरंत आप लगा दीजिए कि सर एक आंसर होगा इसका ठीक है सर चले क्वेश्चन नंबर नाइनटी फाइव ये देखिए बच्चों वाला सवाल क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं कि सी यू ई टी में बच्चों वाला ही सवाल पूछा जाता है जी अट्ठारह अगस्त दो हजार बाईस का ये सवाल है इस सवाल को ना आप कोशिश करिए कि जहाँ पे भी बैठ के कर रहे हैं जैसे भी बैठ के कर रहे हैं बिना पेन पेपर के इसको लगाएं पेन पेपर लगाना अपराध है जी इस सवाल में ठीक है जी सुनिएगा ध्यान से हमारी बात को जरा आप बताएं तीन तरह का सिंबल है सर तीन तरह के सिंबल में सबसे पहला काम इसका होगा तो अगर यहाँ पे तीन डिवाइडेड बाई तीन करेंगे तो एक बन जाएगा एक बनेगा अब इसके बाद भी बहुत सारे लोग गलती कर देंगे ठीक है एक बनेगा तो आपके पास हुआ क्या ध्यान से सुनिए चार माइनस एक प्लस तीन प्लस पांच अब बहुत सारे लोग गलती क्या कर देंगे कि सर डिवाइड वाला सिंबल तो हटा दिए अब क्या करेंगे प्लस का, का काम होता है ना तो पांच और एक छह जोड़ देंगे और चार माइनस छह कर देंगे गड़बड़ हो जाएगा जी वहां पे आप ध्यान से सुने पूरा लिख के ही हम आपको बता दे रहे हैं। इसको आप सोल्व इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो चार माइनस तीन डिवाइडेड बाय तीन प्लस फाइव बनेगा आप कहेंगे जी सर ये और ये कट जाएगा तो चार माइनस वन प्लस पांच बनेगा अब ध्यान से सुने आप या तो सीधे करना शुरू करें और या तो पहले प्लस वाले को जोड़ दें तो ये प्लस के साथ ये वाला प्लस जुड़ेगा मतलब कि पांच और चार नौ माइनस एक इसका आंसर आठ होगा एक को एक काम यह कर सकते हैं दूसरा काम आप ये भी कर सकते हैं सर चार में से एक जाएगा तीन और तीन और पांच मिलके हो जाएगा तो दोनों काम आप कर सकते हैं दोनों में आपको जो पसंद आए लेकिन कुल मिला आपको सही आंसर तक पहुंचना है चाहे जैसे पहुंचिए ठीक है ठीक है? है ना बात समझ में आ गई सबको जी सर बात समझ में आ गई मजा आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए लीजिए सर क्वेश्चन नंबर नाइनटी देखिए यह देखें जी अठारह अगस्त दो हजार बाईस ये भी क्वेश्चन आपको देखने में लगेगा मुश्किल लेकिन है बड़ा आसान क्या पूछ रहा कॉमन फैक्टर ऑफ टू ए स्क्वायर भी स्क्वायर और सिक्स ए सी स्क्वायर मतलब इन सब में कौन सा फैक्टर है जो सब में कॉमन है आपसे यह पूछा जा रहा टू ए स्क्वायर भी फोर ए बी स्क्वायर और सिक्स ए सी स्क्वायर तो इतना तो समझ में आ रहा है कि सब में कम से कम दो तो है ही जी सब में दो है आप ध्यान से देखिए ए ए भी आपको सब में दिखेगा भले ही यहाँ पे ए स्क्वायर है लेकिन ए और ए यहाँ पे है यहां पे ए स्क्वायर ए स्क्वायर होता तो ए स्क्वायर भी ले लेते लेकिन बस ए है तो ए यहां से निकल के आ गया अब बी के बारे में सोचते हैं कि बी यहां पे है यहां पे है यहां पे, पे नहीं है तो बी सब में कॉमन नहीं है सी के बारे में सोचिए सी यहां पे है यहां नहीं है यहां नहीं है तो कुल मिला के आपके पास तीन ही चीज दिखी रहे थे एक तो एक एक तो तो आपके पास टू दिख रहा था एक ए दिख रहा था एक बी दिख रहा था और साथ में सी दिख रहा था तो आपको पता चला कि दो सब में था ए भी सब में था बी पहले दो में था तीसरे में नहीं था सी जो था बस आखिरी में था पहले दो में नहीं था तो कॉमन फैक्टर जो होगा वो केवल और केवल टू ए होगा इन सब में से अगर आप बाहर निकालना चाहेंगे तो केवल टू ए निकलेगा बाकी कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता जी ठीक है सर जी सर समझ में आ गया मजा आ गया सर अगला क्वेश्चन दिखाइए सर। क्वेश्चन 97 क्वेश्चन नंबर नंबर दिखाइए अब। लीजिए जी। कोई बात नहीं कोई बात नहीं हम फिर से शुरू कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 96 सिक्स देख चुके हैं बारी नाइनटी सेवन की है ठीक है तो आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा बाकी चैप्टर्स की तरफ कि हम लोग थोड़े से मुश्किल सवालों को भी लगाए हैं लेकिन एग्जाम के सवाल आसानी होते हैं ठीक है सर जी सर ठीक है सर ये करना है क्वेश्चन नंबर नाइनटी सेवन देखिए इसको वट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर विच वेन है विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई बारह पंद्रह अठारह और तीस भाई ग्रेटेस्ट नहीं होगा स्मॉलेस्ट होगा यहां पे आपसे ना पूछा जा रहा है कि ये स्मॉलेस्ट नंबर पता लगाइए जो 12 15 18 और 30 से भैया लार्जेस्ट का तो कोई अंत नहीं होता है ना लार्जेस्ट का कोई अंत होता है क्या लार्जेस्ट तो कितना भी बड़ा हो सकता है भाई इनफाइनाइट तक जा सकता है तो यहां पे ये स्मॉलेस्ट है स्मॉलेस्ट ठीक है ना आपको कोई स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो 12 15 18 और 30 तीनों से डिवाइड हो जाए तो तीस से डिवाइड हो जाए इसका मतलब ये तो ऐसे ही नहीं होगा ये तो ऐसा ही नहीं होगा उसको हटा दीजिए आप बारी बारी से सोचना शुरू करिए इसके बारे में देखिए यहां पे आप एलसीएम लेके कर सकते हैं लेकिन आप सोचना शुरू करें ठीक है दो ऐसे ही हट गया एक के बारे में सोचेंगे तो बारह से भी कट रहा है पंद्रह से भी कट रहा अठारह से भी कट रहा तीस से भी कट रहा मतलब सर यही वाला होगा ठीक है 240 में आप देखिए 240 में ये 240 जो है 18 से नहीं कट रहा है बाकी 12, 15 और 30 तीनों से कट जाएगा दो तो ऐसा ही दूर का मामला है जब 100 देखिए खैर ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा लेकिन जब 180 सौ कट ही रहा है तो फिर 360 के बारे में हम क्यों सोचे तो यहाँ पे इस सवाल में आपको एल निकालना था बाकी कुछ करना नहीं था बाकी एल के लिए आप वो बेसिक मेथड भी फॉलो कर सकते हैं बाकी आपके पास ये रास्ता भी है ठीक है अब एलसीएम लेते समय भी एक छोटा मोटा समय आप फॉलो कर सकते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट देखिएगा हम क्या बताना चाह रहे हैं कि पंद्रह और तीस है यहाँ पे तो जो तीस से कटेगा वो तो पंद्रह से कटेगा ही कटेगा तो एलसीएम लेते समय पंद्रह को इग्नोर कर दीजिए अच्छा बारह और अठारह में आप खुद बताइए कि बारह और अठारह का मतलब कि सर जो छत्तीस से कटेगा वो दोनों से कटेगा तो इसका मतलब 36 और 30 का आपको एलसीएम लेना है और 36 और 30 का एलसीएम लेते समय आपको पता है कि लास्ट में जीरो है ना तो इसका वही होगा जिसके आखिरी में जीरो आएगा तो या तो छत्तीस पच्चे होगा या तो छत्तीस दहाई होगा ठीक है तो लिख लिख के करने के अलावे अगर कोई दूसरा मेथड दूसरा अप्रोच लग सकता है तो वही करिए और नहीं तो अगर आप जो जानते हैं ना बचपन से पढ़े हुए मेथड जो बंद बारह पंद्रह अठारह और तीस सर जी इसको पहले ना हम दो से लगाएंगे छः बार में पंद्रह बार में नौ बार में पंद्रह बार में तो आपकी मर्जी आप ये भी लगा सकते हैं कोई रोक टोक नहीं है जी कोई रोक टोक नहीं है आपको जिसमें सहूलियत फील हो आप उसी को लगाइए अब नहीं लगेगा तीन दुना छः पच्चे तीस या नब्बे दुना एक ठीक है तो आपको जो भी ठीक लगे वैसे लगाइए हमारे ओर से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कुल मिला के आपको ना आंसर तक पहुंचना है और हम हमको क्या करना है कि अलग अलग तरह का आपको रास्ता दिखाना है ठीक है सर जी सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए जी ओ हो एक ही क्वेश्चन में बंद हो गया ये ठीक है तो हम आपको आसान वाला मेथड और मुश्किल वाला मेथड, सब हम आपको बता रहे हैं आपको देखिए होता क्या है कि जो शॉर्ट ट्रिक होता है ना वो थोड़ा सा याद रखना मुश्किल होता है ट्रिक को याद रखना मुश्किल होता है लेकिन करना आसान होता है लेकिन जो लंबा चौरा मेथड होता है ना वो समझना आसान होता है याद रखना आसान होता है लेकिन करना मुश्किल होता है दोनों के साथ अपना अपना एक डिमेरिट है भाई लीजिए जी इस सवाल को लगाना था देखेंगे इस सवाल को देखेंगे अगस्त 2022 भाई ये भी 2022 का ही क्वेश्चन है यहाँ पे आप क्या लगाएंगे यहाँ पे आप क्या लगाएंगे जी यहाँ पे आप दिमाग लगाएंगे दिमाग के अलावा कुछ नहीं लगाएंगे ना पेन लगाएंगे ना पेपर लगाएंगे बस दिमाग लगाएंगे तो जो हम आपको एलजेब्री एक्सप्रेशन में बेस्ट क्वेश्चन कराए थे ना देखने में वही लगेगा आप बताइए कि इक्यासी गुड़े इक्यासी करने कह दे तो दिमाग खराब होगा कि नहीं इक्यावन इक्यावन करने कह दे तो दिमाग खराब होगा कि नहीं और फिर दो गुण इक्यावन -गुणे दिमाग खराब होगा तो ध्यान से देखिए ना सर ये ये आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू ए बी दिख रहा कि नहीं दिख रहा इसका मतलब सर ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर है इसका मतलब कि इक्यासी और इक्यावन का होल स्क्वायर है ये जितना समय लगेगा ना उससे आधे समय में आप पूरा आंसर निकाल लेंगे ठीक है विश्वास ना हो तो आप करके देखिएगा आंसर हालांकि नौ ही आएगा ऐसा नहीं है कि आंसर कुछ और आ जाएगा वही आएगा लेकिन थोड़ा सा ना परेशान करके आएगा तो आपको परेशानियों से दूर रहना है जितना शॉर्ट हो सके उतने शॉर्ट में आपको आंसर लाना है ठीक है सर ठीक है दो हजार बाईस का क्वेश्चन है क्या कह रहा है रूट अंडर जीरो पॉइंट जीरो वन इंटू क्यूब रूट ऑफ जीरो पॉइंट जीरो टू सेवन माइनस जीरो पॉइंट जीरो थ्री सुने ध्यान से सुने आप बताइए कि यहां पे अगर इसको स्क्वायर रूट निकालना चाहे अच्छा अगर अगर डेसिमल को समझने में दिक्कत हो ना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं आप क्या इसको एक बटा में सौ लिख सकते हैं जी सर लिख सकते हैं इसको आप क्या लिख सकते हैं क्यूब रूट सताइस और बटा में एक हजार जी सर और माइनस में जीरो पॉइंट जीरो थ्री है आप बताइएगा एक बटा सौ को बाहर निकालेंगे एक बटा दस बनेगा अच्छा सर जी इसको बाहर निकालेंगे तो ये तीन, तीन, तीन बटा में क्या बन जाएगा सर तीन बटा में दस बन जाएगा और माइनस में जीरो पॉइंट समझने के लिए बताए हैं हालांकि आपको ये मेथड फॉलो नहीं करना है ठीक है आपको करना क्या है डायरेक्ट सुनिएगा देखिएगा करना क्या है कि दशमलव के बाद दो अंक था बाहर निकलेगा तो एक अंक बचा रहेगा और एक का स्क्वायर रूट एक ही होगा मतलब कि सर पॉइंट वन हो जाएगा इन टू में यहां पे डेसिमल के बाद तीन डिजिट था क्यूब रूट से बाहर निकलेगा तो एक ही डिजिट बचेगा तीन से खत्म हो जाएगा ना तो यहां पे क्या बनेगा सर जीरो पॉइंट थ्री कोई दिक्कत है अच्छा माइनस में यहां पे क्या बचेगा सर जीरो पॉइंट जीरो थ्री तो खैर था ही वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो तीन एकम तीन होगा और एक डिजिट यहां का एक डिजिट यहां का दो डिजिट बनाना है तो दो डिजिट बनाने के लिए आपको एक जीरो लगाना पड़ेगा ऐसी गलती मत करिएगा कि तीन के उधर जीरो लगा दें ऐसी गलती मत करिएगा हो जाएगा आपको इधर जीरो लगाना है ठीक है तो माइनस में फिर से जीरो पॉइंट जीरो थ्री अब आप खुद बताएं कि जीरो पॉइंट जीरो थ्री माइनस जीरो पॉइंट जीरो थ्री क्या सोल्व करने की जरूरत है यहां पे सोल्व करने की जरूरत है खैर खैर इतना सोल्व किए बिना भी, भी पता लग सकता था कि इसको सोल्व करेंगे एक से कमी आएगा इसको भी सोल्व करेंगे एक से कमी आएगा और ऑलरेडी ये एक से कमी है तो इसमें सबका सब एक से कम है तो आंसर भी एक से कम ही होगा भाई ज्यादा थोड़ी होगा तो बिना सोल्व किए भी आ सकता था खैर इसका प्रॉपर सोल्यूशन हम आपको बता दिए आप इसको देख लें जल्दी से हम आपको शतक लगा दें चलिए जी शतक लग गया यहां पे क्वेश्चन नंबर सौ हंड्रेड क्वेश्चन नंबर पहला ऐसा चैप्टर जहां पे सौ क्वेश्चन को छुए हम लोग फाइंड द वैल्यू ऑफ यहां पे आपको करना क्या है नॉर्मल सा वैल्यू पुट करना है और इसको सोल्व करना है ठीक है हम लोग क्या करेंगे देखिए जो बेसिक मेथड है उससे तो कर ही सकते हैं खैर कोई दिमाग लगा सकते हैं क्या कॉमन लेने वाला ए बी को कॉमन लेके भी कर सकते हैं लेकिन वो कचरा ही फैलेगा ठीक है जी छोड़िए जाने दीजिए ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस में थ्री ए स्क्वायर बी अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए ना तो कॉमन लेके हम ये कह सकते हैं कि सर ए बी को बाहर निकाल देते हैं तो यहाँ पे बी बचेगा और यहाँ पे सर थ्री ए बचेगा तो ये काम भी किया जा सकता है देखते हैं जी सात गुड़े पांच यहाँ पे पैंतीस हो जाएगा और यहाँ पे बी डालना है मतलब पांच डालना है और तीन गुड़े सात यहां पे इक्कीस डालना है तो पैंतीस और गुड़े में इक्कीस पैंतीस गुड़े इक्कीस क्या हो जाएगा पैंतीस पैंतीस और तीन तिहत्तर ये थर्ड वाला तो ये भी हो सकता है दूसरा आपने यहीं से सोल्व करके कह सकते हैं कि ए बी स्क्वायर कह रहा है ए बी स्क्वायर ए का मतलब सात और पच्चीस सत्य एक सौ पचहत्तर ये ठीक है जी प्लस में थ्री ए स्क्वायर थ्री ए स्क्वायर बी का मतलब थ्री इंटू ए स्क्वायर मतलब कि उनचास और बी का मतलब 5 आप ये भी कर सकते हैं एक सौ पचहत्तर प्लस 15 पंद्रह 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 करना है पंद्रह नमा एक सौ पैंतीस के 5 बचा तेरह पंद्रह चौका साठ और तेरह तिहत्तर कुछ गड़बड़ हुआ क्या जी सात सौ पैंतीस और एक सौ पचहत्तर पचहत्तर और पैंतीस दस नौ सौ दस सर नौ सौ दस आ रहा इसका मतलब इधर कुछ गलत हो गया क्या ए बी स्क्वायर थ्री ए स्क्वायर बी थ्री ए स्क्वायर बी, ठीक है हम ए बी कॉमन निकाल लिए बाहर से ए बी कॉमन निकाल लिए तो बचा बी प्लस थ्री ए ठीक है सर ठीक है सर ए बी का मतलब पैंतीस ए बी का मतलब हो गया पैंतीस बी का मतलब पांच और यहाँ पे थ्री ए चाहिए मतलब इक्कीस कुछ गड़बड़ है क्या जी ए बी स्क्वायर प्लस थ्री ए है, है, मतलब है, यहाँ पे A का मतलब सात और बी का मतलब पच्चीस पच्चीस सते एक सौ पचहत्तर और प्लस में पांच थी पंद्रह छः सौ एक सात सौ पैंतीस ये नौ सौ दस ये तो करेक्ट है लेकिन ऐसे भी तो आना चाहिए था ए बी स्क्वायर था और प्लस में थ्री ए स्क्वायर भी था ठीक लिखे ए बी हम बाहर निकाल लिए तो यहाँ पे केवल बी केवल बचा जी सर सही है यहां पे क्या बचेगा हम ए बी निकाल चुके हैं तो थ्री और ए ही तो बचेगा सर थ्री एम ए बी ए बी का मतलब पैंतीस बी का मतलब पांच और थ्री ए का मतलब थ्री ए का मतलब इक्कीस ओ हो 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 कह रहे हैं कहाँ पे ऐसा कुछ हम्म 21 और 5 26 होता है सर 21 और 5 26 बड़ा छोटा छोटा मिस्टेक हो जा रहा 35 20 700 और 210 910 वही तो कह रहे थे कि सर दोनों मेथड से आंसर आना चाहिए आंसर आ क्यों नहीं रहा है दिमाग खराब हो गया 21 और 5 21 ही लिख दिए थे जिसके कारण गड़बड़ हो गया इक्कीस और पांच मिलकर छब्बीस हो जाता है खैर इसको आप सुधार लीजिएगा ठीक है सर इसको सुधार लीजिएगा आप चलिए ये बाईस अगस्त दो आप कॉमन लेके कर सकते हैं तो ठीक हालांकि ये भी मैथड आसानी था दोनों मैथड से ये लग सकता है ठीक है सर चलिए सर क्वेश्चन नंबर एक 101 का सगुण मिलेगा इस बार आपको देखें भाई x प्लस रूट दो सौ छप्पन एक्स प्लस रूट दो सौ छप्पन टू वाई वाई रू सॉरी टू रूट दो एक सौ उनहत्तर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई वाई प्लस टू रूट दो सौ छप्पन सुनिएगा वाई प्लस इसका रूट सोलह टू इंटू तेरह कह सकते हैं आप जी सर कह सकते हैं तो वाई का मतलब हो जाएगा सर छब्बीस और इधर आके ये बन जाएगा सोलह मतलब दस सर दस आंसर होगा इसका बहुत ईजी क्वेश्चन बाईस अगस्त को पूछा गया क्वेश्चन ठीक है सर अब देखिए जिनको इनका स्क्वायर रूट नहीं पता होगा ना तो आप घूमते रहेंगे आप एग्जाम में इसलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं हम सिंप्लीफिकेशन जब शुरू किए थे तो उसके पहले हम कहे थे कि एक से बीस तक टेबल ठीक है एक से तीस तक आपको स्क्वायर और ठीक है एक से दस तक आपको क्यूब बहुत ज्यादा हम आपको डिमांड ही नहीं कर रहे हैं बस हम आपको इतना याद करने कह रहे हैं आप इतना याद कर लेंगे तो बराबर सवाल आसानी से होगा नहीं याद करेंगे तो उलझे फंसे रहेंगे ठीक है ना वो तो आपको आपको करना है आपको सोचना है आपको देखना है कि आपको क्या करना है ठीक है चलें क्वेश्चन नंबर जल्दी से हम आपको 102 दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 102, देखें जी इसको सर ऑप्शन में इस बार गड़बड़ी है कोई देख के ही पता चल रहा है आपको करना क्या है जीरो पॉइंट जीरो फोर इंटू जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर इंटू फोर इसको सोल्व करना है ठीक है सोल्व करते ही आपको पता चल जाएगा सर चार चौका सोलह चौका चौंसठ हाँ नहीं जी चार चौका सोलह चौका चौंसठ हाँ अच्छा जी रुक जाइए देखिए इसको आप चार बटा सौ लिख सकते हैं इसको आप चार बटा एक हज़ार लिख सकते हैं और इस ये तो चार ही रहेगा आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा सर चौसठ और बटा में दो जीरो और यहाँ से तीन जीरो इसका मतलब कि डेसिमल के बाद ए दो और तीन पाँच अंक होने चाहिए पाँच अंक होने चाहिए ये होगा सर ठीक है आप यहीं पे देखिए ना चार चौका सोलह चौका चौंसठ चौंसठ आया तीन यहाँ से और दो यहाँ से मतलब पाँच अंक आपको बनाना है बस ये इसका आंसर होगा ठीक है बहुत छोटा सा सवाल था जी बच्चों वाला सवाल था हम आपके सामने दोनों मेथड इसलिए रख दे रहे हैं कि अगर भूल भूल जाए तो याद रहे ठीक है चलिए अगला सवाल दिखाइए सर ये देखिए ये भी अच्छा सवाल है भाई बड़ा मजा आएगा इस बार बड़ा मजा आएगा सर ध्यान से देखिए इस सवाल को टू टु टु दी पावर एक्स माइनस वन प्लस टू टू दावर एक्स प्लस वन इक्वल्स टू बारह सो अस्सी वैल्यू ऑफ एक्स यहाँ पे एक्स का वैल्यू आपको निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का क्या तरीका हो सकता है कि एक काम तो ये कर सकते हैं कि 1280 को दो पार्ट में आप तोड़ सकते हैं एक काम तो ये कर सकते हैं दो ऐसे पार्ट में तोड़िए जो कि दो के पावर के रूप में ही बन पाए तो ये करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा तो आप क्या करिए कि आप बारी बारी से ना ऑप्शन चेक कर लीजिए आप ऑप्शन देखेंगे ना तो अपने आप ही ऑप्शन देख के ही समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है खैर चार तो होगा ही नहीं अगर चार डालेंगे तो दो के पावर तीन और जो दो के पावर पांच ये बहुत छोटा हो जा रहा है दूसरा वाला ऑप्शन अगर डालेंगे तो दूसरा वाला ऑप्शन दो के पावर छ डालेंगे तो ये पांच हो जाएगा और दो के पावर सात हो जाएगा खैर ये भी छोटा है सर। दो के पावर पांच बत्तीस और दो के पावर सात कितना एक सौ 128 ये बहुत छोटा हो गया छोड़िए इसको अच्छा जी अब देखिए आठ डालते हैं तो दो के पावर सात बनेगा और दो के पावर नौ बनेगा इसको जरा सा करके देखते हैं दो के पावर सात क्या बनेगा दो के पावर पांच बत्तीस चौसठ और एक सौ अट्ठाईस बनेगा और एक सौ अट्ठाईस बनने का मतलब कितना हुआ नहीं दिख रहा नौ डाल के देखते हैं तो दो के पावर बनेगा और दो के पावर दस बनेगा तो दो के पावर आठ क्या हो सकता है जब सात एक सौ अट्ठाइस है तो ये दो सौ छप्पन होगा जी सर ये दो सौ छप्पन होगा दस कितना होगा पांच सौ बारह एक हजार चौबीस सर ये एक हजार चौबीस होगा आप देखिए यहां पे मामला सेट हो जा रहा है सर 1280 इसका मतलब लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से उड़ा दीजिए ज्यादा आसानी से हो जाएगा ऑप्शन के चक्कर में फंसेंगे तो फिर दिमाग खराब होगा ठीक है सर जी हाँ एक दूसरा रास्ता यह भी है कि आप कॉमन लेके कर सकते हैं लेकिन वो भी आपके लिए ना थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा देखिए कॉमन लेके कॉमन लेके कहने का मतलब कि आप यहां पे दो के पावर एक्स माइनस वन को कॉमन ले सकते हैं दो के पावर एक्स माइनस वन को कॉमन ले सकते हैं तो आपके पास क्या बचेगा वन और अंदर में दो के पावर एक्स प्लस टू ये बचेगा तो वो भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा छोड़िए जाने दीजिए चलिए सर ऑप्शन बेस्ट मैथड जो क्वेश्चन ऑप्शन देखिए आपका अल्टीमेट गोल है जी आंसर निकालना ऐसा थोड़ी है कि आपको एग्जामिनर को सिखाना है ये तो बड़ा निबंध टाइप सवाल दिख रहा है जी ये चलिए जी डिविजिबिलिटी रूल जिनको याद होगा वो कर ले जाएंगे खैर इसको नंबर सिस्टम में होना चाहिए था कोई बात नहीं कोई बात नहीं देखिए पढ़ा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डिविजिबिलिटी जून 2023 फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था नहीं जी, नहीं, जो नहीं, तीन और दो दोनों से भाग लगेगा, वही से लगेगा तीन या दो नहीं बात समझ में आ रही जैसे हम कह दें पंद्रह पंद्रह के बारे में बताइए दो से लग रहा नहीं तीन से तो लग रहा है हाँ तो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए ना कि छे से भाग लग जाए इसका मतलब कि सर छे से भाग वही लगेगा जो तीन और दो दोनों से लगेगा तीन या दो से नहीं तीन और दो दोनों से ठीक है जी अ नंबर इज डिविजिबल बाय फाइव इफ इट्स यूनिट डिजिट इज और लीजिए जी मिल गया यही ऑप्शन सही होगा जिसके यूनिट प्लेस पे जीरो और पांच होंगे वही पांच से भाग लगेगा दूसरा कोई रास्ता है नहीं आप तीसरे वाले को भी खैर देख ही लीजिए अ नंबर इज डिविजिबल बाई थ्री इफ इट्स यूनिट डिजिट इज डिविजिबल बाई थ्री क्या यह सही है कि यूनिट डिजिट अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट तीन से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी तीन से डिवाइड होगा आप बताएं अगर हम एक नंबर ले रहे हैं सर उन्तीस उन्तीस का यूनिट डिजिट तीन से भाग लग रहा है लेकिन क्या ये नंबर तीन से भाग लग रहा है नहीं इसका मतलब ये भी गलत लिखा है हटा दीजिए इसको भी आखिरी वाला क्या कह रहा है कि नंबर इज डिविजिबल बाय फोर इफ द नंबर फॉर्मड बाय इट्स लास्ट टू डिजिट्स इज डिविजिबल बाय फोर बहुत बढ़िया ये एकदम ये भी सही है जी सवाल ये कह रहा है क्या कह रहा है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाई फोर मतलब कोई नंबर चार से तभी डिवाइड होगा कि नंबर किसी भी, चार से होगा. ये भी एकदम सही कंडीशन दिया है कोई सा भी नंबर कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए लास्ट दो अगर चार से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर दो से डिवाइड होगा इसका मतलब आपसे पूछा था विच ऑफ करेक्ट फॉर डिविजिबिलिटी तो एक तो बी सही है और दूसरा डी सही है तो केवल बी और डी बी एंड डी ओनली मतलब सेकेंड सेकेंड ऑप्शन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से थोड़ा सा ना थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन आपको दिखा चले बात समझ में आ गई सर बात समझ में आ गई हो तो जल्दी से हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं, आ जाइए क्वेश्चन ये देखिए सवाल इसको तो भाई सोल्व करना पड़ेगा आपको ये ऑप्शन से लगेगा नहीं ये ऑप्शन से नहीं लगेगा आपको सोल्व करना पड़ेगा 243 के ऊपर 3x और 27 के ऊपर 4x 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 टू द पावर x 1 जून 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था सुनिएगा हम क्या करते हैं ना ऐसे सवाल को सोल्व करने के लिए इन दोनों के नीचे में जो दिया है ना उसको बराबर करेंगे पहले और बराबर कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिए आप इस 27 को के पावर तीन लिख सकते हैं कि नहीं सर लिखा जा सकता है ना अच्छा इसको आप क्या लिख सकते हैं तो तीन गुड़े तीन नौ गुड़े तीन सत्ताईस गुड़े तीन इक्यासी गुड़े तीन मतलब तीन के पावर पांच आप इसको क्या लिख सकते हैं तीन के पावर पांच और ऊपर में थ्री एक्स लिखा जा सकता इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब क्या होगा सर तो तीन के पावर ये पंद्रह एक्स बन जाएगा ना मल्टीप्लाई होके और बराबर में तीन के पावर ये मल्टीप्लाई होगा तो बारह एक्स माइनस तीन हो जाएगा नीचे में दोनों चीजें सेम है जब दोनों चीजें सेम है तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए बस आप ये देखिए कि पंद्रह एक्स बराबर बारह एक्स माइनस तीन अब यहां से क्या आएगा ये बारह एक्स उठ के इधर आ जाएगा तो तीन एक्स बराबर माइनस तीन मतलब एक्स की वैल्यू माइनस वन एक्स की वैल्यू माइनस वन और यहां पे फोर टू दी पावर एक्स पूछ रहा तो फोर टू दी पावर एक्स का मतलब फोर टू पावर माइनस वन इसका आंसर सर वन बाई फोर आ जाएगा कौन सा ऑप्शन थर्ड वाला ऑप्शन क्या ये समझ में आया ये समझ में आया कि नहीं आया देखिए दो तरह का मामला कभी कभी ना आपको देखने मिलेगा देखिए नीचे में जब बराबर हो जाए ना नीचे वाला बराबर हो जाए तो बराबर कब होगा जब ये दोनों पावर दोनों का बराबर होगा तभी तो बराबर होगा तो बस पावर को बराबर कर दीजिए सिंपल सा लॉजिक है ठीक है ठीक है सर बात समझ में आ गई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये देखें जी इसको देखिए करिए इसको ये आसान सवाल है ये भी वन बाई थ्री डिवाइडेड बाई टू प्लस टेन डिवाइडेड बाई वन बाई थ्री इंटू टू प्लस टेन ये ये भी फर्स्ट जून 2023 में पूछा था सुनिएगा सुनिएगा क्या करेंगे हम यहाँ पे देखिएगा आपको ना बारी बारी से ऊपर नीचे सॉल्व करना पड़ेगा दूसरा कोई रास्ता है नहीं ऊपर वाले को अगर देखें तो वन बाई थ्री इंटू वन बाई टू प्लस में टेन बनेगा जी सर नीचे वाले को देखें तो ये टू बाई प्लस में टेन रहेगा जी सर आइए वापस से करिए इसको इसको जब करेंगे तो जी सर नीचे में क्या लिखा जा सकता है नीचे में दस या तीस और दो बत्तीस नीचे में क्या बत्तीस बटा तीन लिख सकते हैं जी सर लिखा जा सकता है आगे सुने हमारी बात को एकसठ इकसठ ये तीन ऊपर चला जाएगा अच्छा जी 6 के साथ नीचे में बत्तीस आ जाएगा ये दोनों आपस में कट जाएंगे दो बार में मतलब कि बटा इसका आंसर होगा सर 61 बाई 64, पहला वाला ऑप्शन सही आंसर है ठीक है ये भी आसान था जी बच्चों वाला सवाल था नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये देखिए देखिए ये दिमाग घम जाएगा इस बार फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड विच कैन बी यूज टू मेजर द लेंथ फाइव मीटर थर्टीन सेंटीमीटर 11 मीटर 34 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 15 सेंटीमीटर मतलब आपको एक ऐसा रॉड बताना है सबसे बड़ा जो 5 मीटर 13 सेंटीमीटर 11 मीटर 34 सेंटीमीटर और बारह मीटर पंद्रह सेंटीमीटर को माप दे इसका मतलब यहां पे ना आपको एच लेना है एच लेना है जी एच सी पांच मीटर तेरह सेंटीमीटर मतलब इसको आप पांच सौ तेरह सीएम कह सकते हैं जी सर कह सकते हैं 11 मीटर 34 सेंटीमीटर मतलब ग्यारह सौ चौतीस और यहां पे हो जाएगा बारह सौ सीएम इनका एल लेना है आप एल ले लीजिए लेकिन एलसीएम लेते समय अगर कोई आ, इधर से लग जा रहा हो तो इधर से भी आप लगा सकते हैं पहले ना आप पहले आप बिना एलसीएम के सोचिए आप यहाँ पे 103 इसको 103 लिखते हैं आप बताएं कि इसमें से कोई भी नंबर आपको 11 से कटता हुआ दिख रहा है नहीं तो कहां से लगेगा नौ से कटता हुआ दिख रहा है सर नौ से नौ से ये तो कट रहा है चार तीन सात दो नौ ये भी कट रहा है पांच दो सात दो नौ नौ से ये भी कट रहा है तो नौ तो एक ऑप्शन होगा उसको साइड में रखते हैं 103 से कोई नहीं कट सकता हटा दीजिए अगर ये 27 से कट रहा होगा तो हो जाएगा क्योंकि हो अगर से इसको भाग लगाते हैं हम तो 27 से कम सत्ताईस दो सौ तेरालीस बन रहा है जी सताइस नवा दो सौ तेरालीस वो तो कट रहा है सताइस से अगर इसको लगाते हैं तो सताइस चौका एक सौ आठ बना चौवन सताइस दो नौवन ये भी कट गया सताइस से इसको लगा के देखिए 108 और 135 जी सर 9 भी नहीं होगा फिर 27 ही इसका आंसर होगा क्योंकि 27 से तीनों भाग लग रहा है 27 से तीनों भाग लग रहा है इसलिए 27 ही इसका आंसर होगा खैर आप चाहें तो एच भी आप बारी बारी से आप निकाल के देख सकते हैं आपकी मर्जी ठीक है आप एच भी निकाल सकते हैं आपके पास दोनों रास्ते अवेलेबल हैं आप सिंपली देख लीजिए किससे भाग लग रहा है वही आंसर में डाल दीजिए यह देखिए सर क्वेश्चन नंबर 108. 5 जून 5 जून जून थर्ड 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 का ये क्वेश्चन है टू माइनस थ्री हा हा देख रहे हैं जी चलिए जी सोल्व करते हैं इसको यहां से एक आएगा यहां से एक आएगा माइनस तीन और माइनस एक मिलके माइनस चार माइनस चार बन जाएगा ठीक है सर माइनस चार बन जाएगा अंदर वाला ये ये आपको माइनस चार देगा आगे सुनते चलें आगे सुनिएगा और क्या हो सकता है सर यहां पे ये दोनों मिलके पांच देगा यहां पे ये माइनस का एक देगा हाँ ठीक तो है जी ठीक है कि पूरा लिख के करा दें आपको सर पूरा ही लिख दीजिए आइए सर देखिए इंटू चार माइनस दो माइनस क्या माइनस का वन लिख सकते हैं जी सर लिख सकते हैं माइनस पांच ब्रैकेट बंद माइनस वन माइनस पांच इंटू माइनस देखिएगा माइनस थ्री और यहां से माइनस का वन इतना तक तो जी सर ठीक है समझ में आ गया आगे अब क्या होगा आगे अब ये होगा कि टू इंटू चार माइनस दो और माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा तो ये बन जाएगा सर तीन यहां से ये पांच ब्रैकेट को बंद करें माइनस वन इनको रहने दीजिए इधर देखिए इधर देखिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको हम ये कहना चाह रहे हैं कि माइनस तीन और माइनस एक मिलकर माइनस चार बनेगा माइनस चार बनेगा जी सर बनेगा और माइनस चार गुड़े माइनस पांच कितना हो जाएगा सर ये प्लस का बीस बन जाएगा ठीक है सर यहां पे देखिए दो गुड़े चार माइनस माइनस दो ध्यान से सुने इसको सोल्व करेंगे तो माइनस दो आएगा ना तो चार माइनस माइनस दो प्लस का छ बन जाएगा ठीक है सर माइनस एक और यहां पे प्लस का बीस ठीक है जी ठीक है सर ठीक है आगे देखें जी आगे देखें आगे देखें ब्रैकेट से जैसे ही बाहर निकालेंगे तो छह दुना बारह बारह में से एक गया ग्यारह ग्यारह और बीस इकतीस कुछ गड़बड़ हुआ क्या छह दुना बारह बारह में से एक गया ग्यारह ग्यारह और बीस इकतीस इकतीस तो ऑप्शन में है नहीं कुछ गड़बड़ हो गया क्या देखें जी दो गुड़े चार माइनस दो माइनस दो माइनस तीन तो माइनस एक बन गया ठीक है जी माइनस तीन प्लस दो पांच ठीक है सर माइनस एक माइनस पांच गुड़े माइनस तीन और वहां से आएगा माइनस एक माइनस तीन और यहां से माइनस एक जी सर सही है यहाँ पे, ठीक है सर दो गुड़े चार माइनस दो माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस दो और माइनस माइनस प्लस दो तो और एक तीन ठीक है सर माइनस पांच वो भी ठीक है माइनस एक माइनस थ्री और माइनस वन माइनस चार और माइनस चार को जैसे ही ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो उनके साथ चिपक जाएगा ना लेकिन लफरा यह है कि माइनस वन इनके साथ भी चिपक सकता है लेकिन पहले अगर उसको हटा दें चलिए जी माइनस बीस सही है माइनस तीन माइनस चार माइनस चार और माइनस चार इंटू माइनस पांच प्लस बीस ठीक है आगे देखें तीन माइनस पांच माइनस दो माइनस दो का मतलब छ माइनस एक पांच दूना दस अरे 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 एक मिनट सर एक मिनट हम लोग तो सही किए हैं जी आखिरी स्टेप में क्यों गड़बड़ कर दिए पहले अगर ये वाला ब्रैकेट हटाएंगे तो ये पाँच बन जाएगा छः में से एक गया पाँच पाँच गुड़े दो दस दस और बीस मिलके तीस सर जी तीस आंसर होगा इसका पूरा सही किए लास्ट में आके आदमी गड़बड़ कर दिया ना पहले ब्रैकेट के अंदर का काम होगा तो पहले अगर इसको हटाएंगे तो पहले इसका काम करेंगे ना भाई तब तो बाहर का काम करेंगे ठीक है जी चलिए इसको आप लगा लीजिएगा एक बार आराम से लंबा चौरा था बहुत ज्यादा माइनस प्लस था आप इसको लगा लीजिएगा ये देखिए ये सवाल दस सेकेंड में कौन करेंगे भाई दस सेकेंड में तो नहीं होगा सर कोई बात नहीं दस सेकेंड में नहीं होगा नहीं। दस सेकेंड में नहीं होगा लेकिन तीस सेकेंड में तो हो जाना चाहिए ठीक है दो तीन क्वेश्चन बाकी रह गए हैं भले ही आज एक घंटा से ज्यादा निकल गया हो लेकिन दो तो दो तीन क्वेश्चन बाकी रह गए हैं इसलिए उनको कंप्लीट करके ही हम आपको छोड़ेंगे अभी नहीं छोड़ेंगे देखिए जी थोड़ा सा मामला इसमें ना हमको गंभीर होता हुआ दिख रहा है देखिए थोड़ा सा ये ना गड़बड़ दिख रहा है कि ऊपर वाले को सोल्व करेंगे तो नौ और चार तेरह तेरह बनेगा तो ऊपर में जो तेरह होगा कहीं ना कहीं वही आंसर देगा लेकिन दिक्कत यहां पे यह है कि इसको आप सोल्व करेंगे तो सोलह आएगा इसको सोल्व करेंगे तो छह बाईस आएगा लेकिन ये कितना आएगा सर तीन के पावर तीन और रूट के अंदर में तो ये तो सोल्व ही नहीं होगा जी तीन के पावर तीन का मतलब सताइस रूट सताइस का कोई वैल्यू होता है क्या तो यहां पे कुछ मिस प्रिंट है गड़बड़ है सर वो गड़बड़ है इसको रहने दीजिए आगे देखिए ये देखिए भाई साहब देखिए इसको जीरो पॉइंट वन टू दावर एट डिवाइडेड बाई जीरो जीरो पावर फाइव सुने सुने हमारी बात को यहां पे आप एक बार बताइए जीरो पॉइंट वन टू द पावर एट है तो वन टू दावर एट का मतलब तो 1 नहीं रहेगा लेकिन पॉइंट वन के ऊपर एट लगा है तो मल्टीप्लाई अगर .1 को 8 बार करेंगे तो डेसिमल के बाद आठ डिजिट हो जाएंगे और यहां पे दशमलव के बाद दस डिजिट हो जाएंगे इसका मतलब कि ऊपर में जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ यही होगा तीन तीन दो आठ नीचे में कितना डिजिट दस डिजिट मतलब जीरो पॉइंट एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ये होगा अब हम आपको इसको सोल्व करने का तरीका बताए थे कि आप डिजिट काउंट करिए नीचे में डेसिमल के बाद दस डिजिट ऊपर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट ऊपर में डेसिमल के बाद खैर यहां पे ना डेसिमल में आंसर है नहीं बटा में आंसर है बटा में आंसर है तो वही काम आप भी करिए कि क्या कर सकते हैं ठीक हुँ? हाँ, आप एक बार बताइए हाँ कोई बात नहीं यहां पे दस है और यहां पे आठ है दो कम है ऊपर में दो जीरो चिपकेगा और ये पूरा पूरा फिर कट जाएगा इसका मतलब सर आंसर सौ आएगा ठीक है जी ठीक है सर ये बताया हुआ सवाल था नया कुछ भी नहीं था नेक्स्ट क्वेश्चन देखें लीजिए जी ये बच्चों वाला सवाल आ गया ये सवाल बच्चों वाला आ गया लेकिन ए बी सी ऑप्शन तो है नहीं जी ए प्लस बी प्लस सी आपसे पूछा जा रहा है ए प्लस बी प्लस सी ए की वैल्यू बारह बी की वैल्यू माइनस आठ और सी की वैल्यू माइनस चारह माइनस आठ मतलब माइनस चार बारह माइनस बारह जीरो ये सही होगा इसको मत देखिए आप जीरो आंसर सही होगा ठीक है चलिए जी आसान सवाल था हमें नहीं लगता कि इसको रिपीट करना है ये देखिए होगा देखिए एक सवाल इस पैटर्न का हम किए थे लगभग वही सवाल है ये लगभग वही सवाल है करके दिखाते हैं आपको हम आपको क्या कहे थे कि ऐसे सवाल के लिए ना ये नीचे वाले को इक्वल कर दीजिए और होगा ही होगा हर बार इक्वल होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं पांच के पावर दो और उसके पावर फोर एक्स माइनस थ्री और बराबर में पांच के पावर सिक्स एक्स प्लस एट अब आपको क्या करना है यहाँ पे दो से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एट एक्स माइनस थ्री बराबर में सिक्स एक्स प्लस एट हो जाएगा ये x को इधर ले आइए को को अब क्या करिए इधर लाइए तो टू एक्स बन जाएगा और वो जाके उधर चौदह बन जाएगा तो x की वैल्यू सात जब x की वैल्यू सात आ गई तो सात पच्चे पैंतीस और एक छत्तीस और छत्तीस बटा तीन करेंगे सर बारह आएगा एक बार चेक कर लेते हैं इसको ठीक है जी चार दुना आठ माइनस छ बराबर में सिक्स सिक्स प्लस एट ठीक है सर ठीक है उसके आगे क्या होगा तो सिक्स सिक्स इधर आ जाएगा टू एक्स और ठीक है सर ठीक है जी तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन था इस तरह से आपका सिंप्लीफिकेशन समाप्त होता है आपके पास जितने भी सवाल हैं आप इन सारे सवालों को जो 112 सवाल लगाए हैं भाई साहब इन 112 क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से घर पे फिर से लगा जाइएगा ठीक है जी ठीक है अगले क्लास में मुलाकात होगी फिर से किसी नए चैप्टर के साथ किसी नए टॉपिक के साथ उसको भी हम लोग नए अंदाज में पढ़ेंगे तब तक आप पढ़ते रहिए खुश रहिए मस्त रहिए और वापस से इसी समय इसी चैनल पे जुड़ते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए और साथ में एग्जाम भी क्रैक करते रहिए चलें जी चलें बाय बाय सभी को